शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होती, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऑफिस तो क्या यमराज के पास भी नहीं जाऊंगा। श्लोक, बोलने से पहले सोचा तो करो क्या बोल रहे हो। मुझे आप इस समय को मिलाने के लिए तुमने सब कुछ चुपचाप सह लिया। मुझे अपने दुख का एहसास तक नहीं होने दिया। शायद इसीलिए कि तुमने मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं कि मैं तुम्हारे दुख बांट सकूं। नहीं श्लोक, ऐसा मत कहो। ऐसा ही है स्वाति, और तुम तो इस घर में ये ठान के आई हो कि इस घर के सभी दुख सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम्हारी सारी खुशियां इस घर की हैं। तुम ऐसी क्यों हो स्वाति, तुम बदलती क्यों नहीं? जब तक तुम बदलोगी नहीं, ये दुनिया तुम्हें दुख देती रहेगी, और जब तक तुम दुखी रहोगी मैं कैसे खुश हो सकता हूं। श्लोक, अगर मैं सच में बदल जाऊं और वो जैसी हो जाऊं तो क्या इस घर के लोग मुझे कभी उतना ही प्यार करेंगे जितना कि अब कर रहे हैं? श्लोक, एक बात हमेशा याद रखना, प्यार की बिल त्याग और समर्पण से सींची जाती है, ना कि नफरत से और ना ही स्वार्थ से। ओके, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, ठीक है। आप ये रिपोर्ट्स डॉक्टर नटियाल के कैबिन में भिजवा दीजिए। ओके डॉक्टर। स्वाति, ये तो कमाल हो गया डॉक्टर, इतने दिनों में पहली बार इन्हें होश आया है। सिस्टर, जाकर डॉक्टर नटियाल को इन्फॉर्म करो। नहीं सिस्टर, यहीं पे रुको, आप यहीं रुकिए इनके पास, उन्हें मैं बता दूंगी। और डॉक्टर, आपको अभी इतना खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और इन्हें ठीक होने में अभी काफी वक्त लगेगा। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ हिम प्रॉपर्ली, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही इनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। हेलो, कौन? डॉक्टर छाबरा? हाँ हाँ, मैं उदय भैया की बहन ही बोल रही हूँ। क्या उन्हें होश आ गया? अच्छा, तो हम उन्हें मिलने आ सकते हैं? ठीक है, हम अभी आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उदय भैया को होश आ गया। जी बुआ, मैंने सुना। डॉक्टर ने और क्या कहा? डॉक्टर ने कहा उन्हें अच्छी तरह से ठीक हो जाने में अब थोड़ा और वक्त लगेगा। चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं, मैं बस एक मिनट में आई।
क्या बात है जीजी, सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये सब तेरे कारण तो हुआ है। क्या हुआ? उदय भैया को होश आ गया। सच? डॉक्टर का अभी अभी फोन आया था और हम सब उनसे मिलने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जीजी मैंने आपसे कहा था ना भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। चलिए बुआ जी, वीरेंद्र तुम भी साथ चलो, उदय तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। और हाँ, नंदिनी की और बच्चों को भी खबर कर देना, ठीक है? ठीक है ठीक। हाँ। आप लोग देख लो, चलो। हाँ, चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप अच्छे हो गए। अब बस जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए, आपके बिना घर काटने को दौड़ता है। क्या नंदिनी, तुम भी? डॉक्टर ने क्या कहा सुना नहीं? उदय भैया जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे और जल्द से घर भी आ जाएंगे। भैया अब आप कैसे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम लेटे रहो, लेटे लेटे बात करो, नहीं तो और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और डॉक्टर ने कहा है अभी और थोड़े दिन एहतियात बरतने की जरूरत है। जी डैडी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा मुझे मेरे पोते और पोतियों की फिलकारी सुनना है, मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? बोलो बेटा, बोलो बोलो। यहां से हमारी लव स्टोरी शुरू, द कलर ऑफ रोमांस। पिंक मार्क करता हूं। इधर ही है यार। क्या दिन थे यार, इस दिन हम दोनों फिल्म देखने गए थे और साथ में आइसक्रीम खाया था। आइसक्रीम के पैसे भी तुमने दिए थे, कोई बात नहीं, ये भी प्यार ही था हमारा। इसे पेक मार्क करता हूं। इस दिन भी तुम नहीं आई थी, मेरे टिकट के पैसे भी बेकार हो गए थे और मैं सारा दिन बोर हो गया था, याने शांत और उदास। इसे मैं व्हाइट मार्क करता हूं। व्हाइट 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 व्हाइट। ये रे, बिल्ली का बूटा, बेरी का पेड़, इस घर में हम दो शेर। अरे यार पंडित, ये सब क्या कर रहा है, इतने सारे कलरफुल स्केच लेकर? अरे कोई ड्राइंग व्राइंग बना रहा है क्या? ऐसी किस्मत कहाँ मेरे दोस्त। कलर तो बस अब स्केच पेन में रहेगा यार, मेरा कलर तो सिर्फ ब्लैक बन चुका यार, ब्लैक। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। देख यार, मुझे सिर्फ रिंकी के अलावा और कोई खुशखबरी नहीं सुननी, वो हो तो बता, बता जाने दे। अरे तू मेरा यार है, और एक यार दूसरे यार के दिल की बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? ऐसे में ये खबर तुझे रिंकी के घर की सुनाने वाला हूँ। उसने कोई खबर भेजी मेरे लिए, बता ना। ला ना, उसने नहीं भेजी, मैं लेके आया हूँ तेरे लिए। अच्छा बता ना मेरा भाई, बता बता। तो खबर ये है कि, बता ना यार, बता ना प्लीज, बता तू, बता दे, बता ना। खबर ये है कि, बता तो सही, बोल तो सही यार, रिंकी के डैडी को होश आ गया है। हाँ। अबे ये तेरी खुशखबरी है, अबे मेरी मौत की खबर लेके आया तू, मरवा देगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तू कैसे समझेगा यार, मार तो मैंने खाई थी, अभी भी दुखता है यार। अरे यार मैं जा रहा हूँ भाई, पहले पहले चाचा ने मारा था, अब तो बाप को भी होश आ गया है, अब तो दोनों मिलके मेरी जान ले लेंगे यार, मेरी बैंड बजा देंगे भाई, मैं जा रहा हूँ। लेकिन ये तू सामान क्यों पैक कर रहा है?
अरे बताएगा मुझे ये सामान क्यों पैक कर रहा है तू? अरे जाने दे यार, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। ओए, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ भाई। पहले तो कृष्णा थी मुझे बचाने के लिए, अब तो ये सब मिलके मारेंगे। ये मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं जा रहा हूँ भाई। कायर, डरपोक, अरे तेरे साथ तो यही होना चाहिए कि लोग तुझे मारे और तेरी हड्डियां तोड़े। शहर छोड़ के भागने की बात करता है, उधर बेचारी रिंकी अकेली सबका सामना कर रही होगी, और तू शहर छोड़ने की बात करता है। अरे तुम जैसे लोगों को तो कुछ हक ही नहीं है प्यार करने का। अबे ओ शुक्र पहलवान, तू ही बता मैं क्या करूं, मार खाऊं? तू कुछ मत कर, तू बस हिम्मत कर, तुझे जो करना था तू कर चुका है, समझा? अब बस इंतजार कर उसके आने का। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। अच्छा तू बोलता है तो मैं रुक जाता हूँ। मैं डर डर के बिल्ली बना क्या, जब प्यार किया तो अरे तुम दोनों यहाँ खड़े हो, आज उदय भैया को मिलकर बहुत खुशी हुई, दिल को बहुत अच्छा लगा। अब घर की सारी खुशियां वापस लौट आएगी, और तुम्हें पता है ये सब माँ तारा देवी की कृपा से हुआ है। माता तारा देवी, ये कौन है? चुप बदमाश, माँ तारा देवी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। मैंने उन्हीं से उदय भैया के लिए मन्नत मांगी थी। आपने भी मन्नत मांगी थी? क्यों नहीं, उदय भैया मेरे बड़े भैया है, मैं उन्हें राखी बांधती हूँ ताकि वो मेरी रक्षा करें। जब आज उनकी बारी आई तो मैंने माता से मन्नत मांग ली, और देखो माता की कृपा से उदय भैया को होश भी आ गया और जल्दी सब घर वापस आ जाएंगे। हाँ बुआ, पापा सिर्फ एक बार घर आ जाएं, उनके बिना तो मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और भैया जल्दी से वापस घर आ जाएंगे। लेकिन अब तुम दोनों की बारी है। मतलब तू कुछ समझा नहीं या कुछ भूल रहा है या बहाना कर रहा है? बुआ जी मैं भी कुछ समझी नहीं। अच्छा तो मैं समझाती हूँ, अब तुम दोनों को वही करना है जो उदय भैया चाहते हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है अपने पोते पोतियों के साथ खेले, उनके पीछे दौड़े, उन्हें गोद में खिलाए, और उदय भैया की भी यही इच्छा है। अब मैं चाहती हूँ कि उदय भैया जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तुम दोनों उन्हें ये खुशखबरी दो, और घर की आने वाली खुशी को दोगुनी कर दो। अरे ये तो शर्मा गई। अरे तू क्यों शर्मा रहा है? जा बहू के पास जा और उसे समझा, आजकल की तो लड़कियां भी नहीं शर्माती और तू लड़का होके शर्मा रहा है। जा बहू के पास जा, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, ठीक है? सोना बंद करो, इस तरह रोने से क्या होगा? रोने तो और क्या करूं श्लोक, बताओ। स्वाति दिस इज द सॉल्यूशन ना, अगर हम कुछ सोचें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जब भगवान ने सारे रास्ते बंद कर दिए
तो भला और कोई क्या रास्ता निकाल सकता है? सॉरी, मुझे ये नहीं पता, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है। कई रास्ते खुल तो जाएंगे, लेकिन उन रास्तों पर मेरा नाम नहीं होगा। जो सच्ची खुशी खुद की मां बनने में है, वो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। स्वाति, हमेशा तुमने मुझे ये बातें समझाई हैं, आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो और क्या करूं? हाँ, आज मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। श्लोक, पहली बार पापा ने मुझसे कुछ मांगा, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूं, मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं कभी इस घर के लिए वारिस नहीं दे सकती। अरे नहीं मिसेस पंत, थैंक यू। इतने दिनों बाद तो मुलाकात हुई है, और फिर आप कब गायब हो जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी आप इंडिया में तो नाके बराबर ही आते हैं। बेफिक्र रहिए, अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब भाई साहब का बिजनेस संभालने के लिए मैं इंडिया में ही हूँ, सो आपसे मुलाकात होती रहेगी। ओके मामा, मैं जाता हूँ, और शाम को मुझे देर हो जाएगा, बिजनेस मीटिंग है। अर्जुन बेटा, इनसे मिलो, ये है उदय डबराल के छोटे भाई वीरेन डबराल। नमस्ते सर। नमस्ते। अमेरिका में तुम्हारे पापा के साथ एक बिजनेस डील के सिलसिले में इनसे मुलाकात हुई थी। हो, प्लीज टू मीट यू सर। सेम हियर, थैंक यू। लेकिन मुझे अर्जेंट एक मीटिंग के लिए जाना है, सो आई हैव टू गो। बाय मामा। इसकी शादी हो गई क्या? जी नहीं भाई साहब, कोई अच्छी लड़की मिले तो बात चलाऊं। आपकी नजर में कोई है? जी, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं भी अपनी भतीजी के लिए कोई अच्छा लड़का देख रहा हूँ, और सो अगर आपको ठीक लगे तो। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। वो कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। आपसे इतने दिनों बाद मुलाकात भी हुई और शादी की बात भी छिड़ गई। डबराल परिवार की बेटी अगर मेरे घर की बहू बने, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। आपके बड़े भाई सब तो हॉस्पिटल में है, तो मेरे ख्याल से उनके आने के बाद ही आगे की बात होनी चाहिए शायद। जी नहीं, दरअसल भैया की बीमारी की असली वजह उनके बिजनेस की टेंशन है, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई और टेंशन हो, तो इसलिए इन बच्चियों की जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। तो उनकी शादी के सिलसिले में जो भी फैसला करना होगा वो मैं ही करूंगा, और वो फाइनल होगा। सचमुच आप लोग के संस्कार और सोच कितनी महान है। आज भी आप दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास और इज्जत है ना। अगर ऐसे घर की बेटी मेरी बहू बने, मैं तो धन्य हो जाऊंगी। तो ठीक है, अगर आप जब चाहें लड़की देखने के लिए हमारे घर आ सकते हैं। जरूर, क्यों नहीं। बस मेरी बेटी 4 दिनों के लिए दिल्ली गई है, उसके आते ही हम आपके घर पे शगुन लेके आ जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी जाओ। आज मुझे समझ में आया कि तू क्यों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सबको फंसा कर रखती है। माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। खबरदार जो तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो। तुझे नहीं पता इस कर्मजली ने हमारे घर की खुशियों को लात मार दी है। पहले तो इसने अपने यार के साथ मिलकर मेरे समीर को मरवा दिया। समीर तो रहा नहीं, फिर भी मैंने इसे माफ कर दिया।
ये सोचकर कि तेरे बच्चे में मैं अपने समीर को देख लूंगी। लेकिन अब इसने हमसे ये खुशी भी छीन ली है। माँ, इसमें स्वाति का क्या कसूर है? ये बेचारी तो तेरी इस बेचारी ने हमारे इस घर को नरक बना दिया है। जिस खुशी से घर की पीढ़ियां बढ़ती है वही छीन ली। एक वारिस के लिए तरसा दिया इसने हमें। कौन देगा इस घर को वारिस? अब इस घर में खुशियां कैसे होंगी? बंजर बना दिया इस बांझ ने हमारे घर को बंजर।